व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे, कहां और कौन सा मिरर है आपका, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। अच्छा ऑब्जेक्ट देखो कहीं भी रखा हो वो नेगेटिव में आता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये रहा, और कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर पड़ा होगा, ये आपका नेगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट किधर है, इधर, तो ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव। चलो आगे इसने क्या कह दिया, अ रियल इमेज, एक रियल इमेज बन रही है, लिख लिया करो सारी सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, मैग्निफाइड 3 times। अब देखो इसने क्या कहा, रियल इमेज और मैग्निफिकेशन कितना है 3, और हमेशा याद रखना मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होता है जब आपका जो इमेज हो वो कैसा हो, रियल, ठीक है। अगर आपका इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, और यही अगर वर्चुअल होता तो यहाँ पर पॉजिटिव होता, ठीक है, और यहाँ पर कैसा है, रियल, तो यहाँ पर नेगेटिव अपने आप लगा लेना। तो ये क्वेश्चन था आपका। आगे इसने क्या कहा, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मतलब आपको एक तो एफ फाइंड करना है, तो पहले हम फर्स्ट पार्टी करते हैं, एम कितना है, -3 यू ये रहा, तो एम का एक फॉर्मूला होता है -V/U, ठीक है, एम का वैल्यू कितना है -3 -3 हमें फाइंड करना है, और यू कितना है -20, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 3 6 मतलब कितना आ गया, -60 = V, आपका V आ गया। मिरर फॉर्मूला लगाओ क्या होगा, 1/F = 1/V कितना है -60 प्लस 1/U कितना है -20। अब ये देखो ये माइनस और ये प्लस, ये कैसे माइनस ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। चलो अब इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, 60 और 20 का एलसीएम क्या होगा आपका, 60 ही आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां पर क्या -1 यहां पर -3, ठीक है, 1/F = -4/60। अब देखो ये 1/F है, हमें फाइंड करना है खाली F, सो ये क्या हो जाएगा 60/4, कैसा, नेगेटिव का, कटिंग शटिंग करोगे आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस का 15। तो ये आपका आ गया फोकल लेंथ। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा है इसने, देखो पहले ना मैं इन सभी चीजों को साइड में लिख लेता हूं। देखो हमने क्या, एक तो वी फाइंड कर लिया और अपना एफ फाइंड कर लिया, इसको मैं साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट अपना, सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा, वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब यू को हम ऐसा कहां रखें, ठीक है, ये रहा आपका सेकेंड पार्ट, मतलब यू को हम कहां रखें टू गिव अ वर्चुअल इमेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वर्चुअल इमेज हो गया, ठीक है, वर्चुअल इमेज 3 times द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपका इमेज बन रहा है उसका हाइट क्या है, 3 times है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, और ये आपको एक रिलेशन दे दिया सेकंड पार्ट का, ठीक है। ये सारा क्या था आपका, इंफॉर्मेशन था फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट में हमने ये फाइंड करा, अब हमें यू फाइंड करना है, वर्चुअल इमेज है और आपका ये सिस्टम है, तो सेम सा क्वेश्चन है। देखो क्या हो गया आपको, ये हो गया, और HI/HO क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, बिकॉज HO को मैं नीचे ले गया यार, और HI/HO क्या होगा, M, ये फॉर्मूला है M का, HI/HO, ये मिलकर क्या हो गया, M = 3। अब देखो 3 को पॉजिटिव रहने देना, बिकॉज ये वर्चुअल इमेज बना रहा, मैंने यहां पर बताया था आपको, M को नेगेटिव को करना है जब रियल हो, पॉजिटिव को करना है जब वर्चुअल हो, तो M आपका आ गया। फिर से वही फॉर्मूला लगाओ मैग्निफिकेशन का, क्या M = -V/U, M क्या है 3, अब M आपका 3 आ गया था, और V क्या था, V हमें नहीं पता और U भी नहीं हमें पता, तो यहां से V का वैल्यू फाइंड करो, क्या U को उधर ले जाओ, 3 U और ये नेगेटिव, ठीक है, सो V का आपका वैल्यू आ गया -3 U, ठीक है। फोकल लेंथ आपको पता है, देखो ऑब्जेक्ट को आप ऊपर नीचे कहीं भी रखो, आगे कर दो पीछे कर दो, कहीं भी फोकल लेंथ आपकी फिक्स होती है किसी भी मिरर की, तो फोकल लेंथ आपका यही होगा जो आपने फाइंड करा था, ठीक है। सो आपके पास एफ भी है कितना, -15। मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/F, चलो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 1/F के वैल्यू -15 = 1/V, वी का वैल्यू -3 U +1/U, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे, ठीक है। 1/-15 = 3U - 1+3, देखो कैसे करा मैंने भाई, 3U और U का एलसीएम 3U, ठीक है, और 3U बन जा 3U, और ये नेगेटिव इसके साथ आ गया, ठीक है, ये U था, U को छोड़ दो और 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ऐसे लेते हैं, -1/15 = ये कितना हो गया, 2/3U, अब भाई 3U को इधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, -3U = 15 - 30, यू आपका क्या आ गया, -10, और यही आपका आंसर। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, -10 cm पे, सेंटीमीटर लगा देना, ए यहां पर सेंटीमीटर लगा देना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन था।